जय भीम, ये दो शब्द अपने आप में वंचितों शोषितों के संघर्ष और आत्म सम्मान की लड़ाई को बयां करने के लिए काफी है, क्योंकि जय भीम सिर्फ नारा नहीं बल्कि जुल्म के खिलाफ विद्रोह का नाम है। इसी कड़ी में तमिल सिनेमा जगत से एक शानदार फिल्म रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है जय भीम। लाइट्स कैमरा कास्ट के इस एपिसोड में हम रिव्यू करने वाले हैं तमिल सुपरस्टार सूर्या की फिल्म जय भीम को। तो आइए शुरू करते हैं। मुझे तो इस फिल्म का बड़ी बेसब्री से इंतजार था, इसलिए रात को जैसे ही फिल्म Amazon Prime पर रिलीज हुई मैंने तुरंत देख डाली। लेकिन क्या जय भीम फिल्म वाकई देखने लायक है? क्या है फिल्म की कहानी और क्यों आपको ये फिल्म देखनी चाहिए? वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की कहानी की। फिल्म में साल 1995 के दौरान तमिलनाडु में होने वाले जातीय उत्पीड़न और पुलिसिया बर्बरता को दिखाया गया है। ये फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है, मतलब फिल्म में जिस तरह की दरिंदगी दलित आदिवासियों के साथ होते दिखाई गई है वैसी ही हैवानियत हो चुकी है और आज भी होती है। इसलिए इसे सिर्फ मात्र एक संयोग टाइप काल्पनिक कहानी मत समझिएगा। फिल्म को देखते हुए आपको वो पीड़ा महसूस होगी जो असंख्य दलित आदिवासी हर रोज सह रहे हैं। बात फिल्म की कहानी की करें तो जय भीम इरुलर आदिवासी समुदाय के एक जोड़े सेंगेगिनी और राजकन्नू की कहानी है। इरुलर समुदाय के लोग सांप और चूहे पकड़ने का काम करते हैं। राजकन्नू को चोरी के झूठे आरोप में पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद वो पुलिस हिरासत से लापता हो जाता है। उसकी पत्नी उसे ढूंढने के लिए संघर्ष करती है। सूर्या ने चंद्रू नाम के वकील का किरदार निभाया है जो कानून के जरिए मजलूमों की मदद करना अपना मिशन समझता है। फिल्म का पहला सीन ही बेहद दमदार है, वो आपको खींच लेता है। फिल्म की शुरुआत होती है जेल के बाहर से, जहां कुछ कैदी अपनी सजा काट कर बाहर आ रहे हैं, रिहा हो रहे हैं। लेकिन जेल के बाहर जो जेलर खड़ा है वो हर कैदी से उसकी जाति पूछता है, कौन जात हो, किसकी जाति है, क्या है, ये ऐसे सवालों को पूछता है। जिसकी जाति दलित होती है, आदिवासी होती है, वो उसे अलग लाइन में खड़ा कर देता है और सवर्ण जाति के कैदी अपनी जाति बताकर वहां से चले जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल इस सीन में दिखाया गया है कि आसपास के थानों से पुलिस वाले अपनी गाड़ियां लेकर यहां आए हुए हैं। उन्होंने अपना रिकॉर्ड सुधारने और प्रमोशन के लिए कुछ अपराधियों को अंजाम तक पहुंचाना है, जिन पर वो झूठे आरोप लगाकर उन्हें जेल में डाल सके या फिर उनका फेक इनकाउंटर करके मेडल ले अपनी वर्दी पर एक और सितारा बढ़ा सके। जेलर इन दलित कैदियों को ऐसे बांट देता है जैसे कोई कसाई बचे हुए गोश्त को कुत्तों के सामने फेंक देता है। आपको सुनने में अटपटा जरूर लग सकता है, लेकिन भारत में लाखों दलित आदिवासियों के साथ हर रोज ऐसा ही हो रहा है। फिल्म का पहला सीन बता देता है कि कहानी किस ओर जाएगी। कस्टोडियल टॉर्चर और जातिवाद के साथ साथ फिल्म अशिक्षा, छुआछूत, अंधविश्वास और आर्थिक गैर बराबरी जैसी समस्याओं को भी बेहद मार्मिक रूप से टच करती है। लेकिन खास बात यह है कि इन सभी मसलों को इस तरह से कहानी में पिरोया गया है कि ये सब जबरदस्ती ठूसे हुए नहीं लगते, यानी कहानी देखने वाला बोर नहीं होता। फिल्म के सभी किरदारों ने जबरदस्त एक्टिंग की है। फिल्म का आकर्षण भले ही वकील चंद्रू है, लेकिन उसे स्टीरियोटाइप हीरो की तरह पेश नहीं किया गया है। वो हीरोइक इमेज उस तरह की नहीं बनाई गई है। सूर्या ने चंद्रू के रोल में शानदार काम किया है, लेकिन डायरेक्टर टीजे ज्ञानवेल ने इस बात का भी ख्याल रखा है कि चंद्रू बाकी किरदारों पर हावी ना हो जाए। वो हावी नहीं हुआ है वाकई इस फिल्म में, यानी दक्षिण की कई फिल्मों की तरह हीरो की एंट्री में तेज हवाएं नहीं चलती, तूफान नहीं आ जाता और लोग हवाओं में उड़ने भी नहीं लगते हैं, ऐसा इस फिल्म में नहीं दिखाया गया है। राजा कन्नू का किरदार मणिकंदन और सिंगनी का रोल लिजो मोल ने निभाया है। मणिकंदन और लिजो मोल ने जबरदस्त एक्टिंग की है। सिंगनी जब पुलिस स्टेशन में अधमरे हो चुके राजा कन्नू को अपने हाथ से चावल खिलाते हुए मुंह खोलने के लिए कहती है तो देखने वाला अंदर तक हिल जाता है। सिंगनी अनपढ़ आदिवासी महिला जरूर है, लेकिन आत्मविश्वासी है और न्याय के लिए डटे रहने वाली महिला है। वही प्रकाश राज हमेशा की तरह बेहद प्रभावी रोल निभाते हैं। वो एक ईमानदार आईजी के रोल में है। वो बताते हैं कि कैसे अगर पुलिस और जस्टिस सिस्टम अपना काम सही से करे तो लोगों को न्याय मिल सकता है। इन सबके अलावा सहायक किरदारों ने भी असरदार भूमिका निभाई है। फिल्म की एक बात और अच्छी है कि मैत्रा नाम की जो
फीचर है वो फिल्म एक मजबूत कड़ी का काम करती है। आदिवासी लोगों, सेंगनी और इस वकील जो चंद्रू इसके बीच में संवाद के लिए, वो एक बेहद मजबूत कड़ी बनी रहती है। लेकिन हिंदी फिल्मों की तरह ज़बरदस्ती चंद्रू और मैत्रा के बीच में कोई लव स्टोरी नहीं घुसाई गई है, ये बात मुझे इसकी अच्छी लगी। ये क्योंकि हम देखते हैं कि हिंदी जो फिल्में होती हैं उसमें हीरोइन को सिर्फ एक हीरो के रोमांटिक पहलू को दिखाने के लिए, उसके साथ कुछ गाने शूट करने के लिए एक प्रोप की तरह ही रखा जाता है। इस तरह का इस्तेमाल हिंदी फिल्मों में होता है, ना कि कहानी के मुख्य पात्र के रूप में उसे रखा जाता है। इस फिल्म में हीरोइन भी अपने हिस्से का स्पेस मजबूती से बनाए रखती है। पुलिस स्टेशन और अदालत के सीन काफी शानदार हैं और डायलॉग भी काफी प्रभावी हैं। इरुलर समुदाय के लोगों के पास जमीन नहीं है, इनकम का कोई पक्का साधन नहीं है, इसलिए सांप चूहे पकड़ने के लिए वो मजबूर हो गए हैं। राजकनु ईंट भट्टे पर ईंट बनाते वक्त ईंट को देखकर कहता है, ना जाने मैंने कितनी ईंटें बनाई लेकिन अपने परिवार को पक्का मकान नहीं दे पाया। फिल्म का ये डायलॉग सुनकर आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिया आखिरी भाषण याद आ जाएगा। बाबा साहब ने कहा था, 26 जनवरी 1950 को हम अंतर विरोधों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक और आर्थिक जीवन में हमारे पास असमानता होगी। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत को मान्यता देंगे, लेकिन अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत को नकारते रहेंगे। बाबा साहब की भविष्यवाणी सच साबित हुई और फिल्म में सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी की समस्या पर भी चोट की गई है। पारंजीत की तरह ही जय भीम फिल्म में भी बहुजन प्रतीकों का इस्तेमाल हुआ है। चंद्रू के घर में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और ईवी रामास्वामी पेरियार के साथ कार्ल मार्क्स की तस्वीर भी दीवार पर दिख जाएगी, वो तस्वीरें प्रतीक आपको दिख जाएंगे। एक सीन में स्कूल के बच्चे गांधी नेहरू बने होते हैं तो चंद्रू पूछता है कि यहाँ नेहरू और गांधी तो हैं लेकिन अंबेडकर क्यों नहीं है। ये बेहद प्रभावी सवाल है और ये संवाद के जरिए सवाल है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर वहां क्यों नहीं है, वैचारिकी में उन्हें किस तरह से गायब किया गया, उस पर ये एक सवालिया निशान खड़ा करता है। वॉइस ओवर में आपको बाबा साहब की आवाज सुनाई देती है। बाबा साहब कहते हैं, हम छुआछूत खत्म करना चाहते हैं, हम पिछले 2000 साल से छुआछूत झेल रहे हैं लेकिन किसी को इसकी फिक्र नहीं हुई। बाबा साहब खुद वकील थे और उन्होंने कानून का सहारा लेकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया था। इसी तरह चंद्रू भी कानून पर भरोसा करता है और कानून के सहारे ही न्याय के लिए संघर्ष करता है। एक जगह चंद्रू कहता है कि कानून बहुत ताकतवर हथियार है लेकिन आप इससे किसे बचाते हैं, इससे जरूरी कुछ नहीं होता। फिल्म की कहानी सच्ची है। साल 1993 में तमिलनाडु में चंद्रू नाम के वकील ने राजा कन्नू की पत्नी पार्वती का ये केस लड़ा था। उन्होंने मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े किसी भी केस में एक रुपया भी फीस नहीं ली। आगे चलकर चंद्रू मद्रास हाई कोर्ट के जज बने और उन्होंने बतौर जज करीब 96,000 केसों का निपटारा किया। जस्टिस चंद्रू ने अपने कार्यकाल में कई लैंडमार्क जजमेंट भी दिए। उनका कहना है कि उन्हें राजा कन्नू जैसे केस लड़ने और उन्हें समझने में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग्स और भाषणों से बहुत मदद मिली। फिल्म खत्म होती है एक मराठी कविता जय भीम के साथ। स्क्रीन पर बाबा साहब की तस्वीर के साथ आता है, जय भीम मतलब रोशनी, जय भीम मतलब प्यार, जय भीम मतलब अंधेरे से रोशनी की यात्रा, जय भीम मतलब करोड़ों लोगों के आंसू। फिल्म खत्म होते होते आप पर गहरा असर डालती है, खासकर उन लोगों के लिए ये फिल्म देखना बेहद मुश्किल होगा जिन्होंने ऐसी तकलीफें सही हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है कि देश भर में रोजाना औसतन करीब 100 मामले SC/ST एक्ट के तहत दर्ज होते हैं। भारत में रोजाना औसतन 10 दलित महिलाओं के साथ यौन हिंसा होती है। देश की जेलों में सबसे ज्यादा अंडर ट्रायल कैदी दलित, आदिवासी और मुस्लिम समाज से आने वाले लोग हैं। ये फिल्म देखकर देश में इन मसलों पर भी बहस होनी चाहिए। तो ये था तमिल सुपरस्टार सूर्या की फिल्म जय भीम का मूवी रिव्यू। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। फिल्म अमेज़न प्राइम पर रिलीज हो चुकी है तो जाइए फिल्म देखिए और अपनी खुद की राय भी बनाइए। आज के वीडियो में इतना ही। साथियों, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद कर रही है मेरी सहयोगी अज़रा परवीन। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय भीम।